हाय गाइस, वेलकम टू कुकी सुमित। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच। बेसिकली दिस इज द इटालियन सैंडविच जिसका नाम है पनीनी। नाउ गाइस, पनीनी में मैक्सिमम पोटैटो यूज होता है एंड एज यू ऑल नो अबाउट दैट कि पोटैटो में लॉट्स ऑफ स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कई लोग ऐसे हैं जो बहुत कम प्रेफर करते हैं उसे। तो हर वीडियो की तरह मैंने इस बार इस डिश का भी एक न्यू वर्जन निकाल दिया है जिसका नाम है कैप्सिकम एंड टोमेटो पनीनी सैंडविच। जी हाँ, इसे हर कोई खा सकता है। एंड सेकंड थिंग, इसे या तो आप टोस्ट कर सकते हैं या तो ग्रिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, कैप्सिकम एंड टोमेटो पनीनी सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैप्सिकम 3 बड़े चम्मच, टमाटर इसे भी डाइस में कट कर लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच, अनियन 2 बड़े चम्मच, ब्लैक पेपर, काली मिर्च ये ऑप्शनल है, बटर 1 छोटा चम्मच, 4 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के, आप चाहे वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, सीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच ये ऑप्शनल है, उसके बाद सॉल्ट ये भी 1 छोटा चम्मच, पेस्टो सॉस 1 बड़ा चम्मच, वेज मेयोनीज। गाइस, ये होममेड वेज मेयोनीज है। अगर आप इसे अपने घर में बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो वेज मेयोनीज भी 2 बड़े चम्मच, चीज़ ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे अमूल चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ये भी 2 बड़े चम्मच, रिफाइंड ऑयल 1 छोटा चम्मच, गार्लिक चॉप किया हुआ 1 छोटा चम्मच, लास्ट में लाल मिर्च, पेपरिका आप चाहे कश्मीरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, 1/2 छोटा चम्मच। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पनीनी सैंडविच की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसमें जो हमने 1 टीस्पून ऑयल लिया था, रिफाइंड ऑयल, इसे डाल लें और थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें। और गाइस, जब ये तेल गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले गार्लिक चॉप किया हुआ ये डाल दें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब गाइस, सबसे पहले इसमें अनियन एंड टोमेटो एंड कैप्सिकम, इन तीनों को एक ही करके ऐड कर लें। तो फिर इसे एक अच्छा सा स्टर दे दें। गाइस, एक चीज का ध्यान रहे, हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ इतना कुक करना है कि अगर इसमें जो कैप्सिकम में और टोमेटोज में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा रिमूव हो जाए। तो इस बात का ध्यान रहे, हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, 1 से 1.5 मिनट बहुत है इसे कुक करने के लिए, उससे ज्यादा कुक ना करें। तो गाइस, इस स्टेज में इसमें सॉल्ट को ऐड कर दें। सॉल्ट को ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिलाएं। और गाइस, अपनी गैस थोड़ा कम आंच में रखें। आप गाइस देख सकते हैं धीरे धीरे इसका जो मॉइस्चर था रिमूव हो रहा है। सो फाइनली गाइस, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। और हम गैस को बंद कर दें। गाइस, अब ये स्टफिंग के लिए तैयार है, चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइस, फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कैप्सिकम या फिर अनियन या टोमेटो ही यूज करने हैं। इंस्टेड ऑफ दीज वेजिटेबल्स आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, लाइक मशरूम, एग प्लांट या जो आपको ठीक लगे। सेकेंड थिंग कि आप चाहें तो पनीनी में नॉन वेज स्टफिंग भी कर सकते हैं, लाइक चिकन, फिश या जो मीट आप प्रेफर करते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें चिकन की, तो चिकन को आपको क्या करना है, बॉयल किया, उसको बोनलेस किया, देन उसके बाद स्लाइस किया, स्लाइस थोड़ा फाइन करें जो कि अच्छे से स्टफ हो जाए, उसके बाद सर्व करें, खाएं उसको आराम से। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग कि जरूरी नहीं आपको सिर्फ व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड या अनदर ब्रेड यूज करनी है, आप चाहे तो कोई ब्रेड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ ब्राउन ब्रेड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्राउन ब्रेड अच्छी होती है एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड।
सो हम ब्राउन ब्रेड यूज कर रहे हैं। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप चाहे तो कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको अमूल चीज यूज करनी है, मोजरेला चीज यूज करनी है, अगर आपको चीज ही पनीर नहीं बनाना है तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस, ब्रेड को यूज करने से पहले सबसे पहले हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं इसे कट कर देना है। भाई इसे आपको फेंकना नहीं है, ये इसे आप ड्राई कर लें, ये एज अ ब्रेड क्रम्स काम आ सकते हैं, तो इसे प्लीज फेंकिए मत। तो गाइस बेसिकली वो करना क्या है, जो हमने वेजिटेबल्स कुक किया था पहले उसे अच्छे से ठंडा कर लें और फिर इसे एक साफ बाउल में डाल दें। एंड गाइस इसके बाद मेयोनीज, वेज मेयोनीज इसे भी ऐड कर लें, और उसके बाद गाइस जीरा पाउडर ये ऑप्शनल है, उसके बाद पेपरिका। अब गाइस इसे अच्छे से मिला लें। तो गाइस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके बाद आपको फाइनल काम करना है। तो अगर तो आप टोस्ट कर रहे हैं तो आप तवा यूज कर लें, और अगर आप ग्रिल करना है तो आप सैंडविच मेकर जो जिसमें ग्रिलिंग होता है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैंडविच मेकर यूज़ करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ गाइस जब तक सैंडविच मेकर गर्म होता है तब तक करना क्या है, आपको जो ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं हम उस पर आपको ऐसे बटर लगा देना है एक साइड से, तो चारों ब्रेड के स्लाइसेस पे ऐसे बटर लगा लें। बटर गाइस ध्यान रहे, अगर तो आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्ट फिर पहले कम यूज़ करें, और अगर अनसॉल्टेड है या होममेड बटर है तो फिर आप सॉल्ट का जितना मैंने क्वांटिटी बताई उतना यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी साइड से अच्छे से बटर लगा लें। सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे चारों ब्रेड के स्लाइसेस में बटर लगा दिया है। ध्यान रहे मैं बहुत ज्यादा बटर नहीं लगाना, कम बटर यूज करना है हमने, बिल्कुल लिटिल बिट। तो तब तक यहाँ पर ये भी गर्म हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। सो गाइस फाइनली अब हम इसकी स्टफिंग करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें जो पेस्टो सॉस हमने बनाई है ये भी होममेड है, सबसे पहले इसे पूरे ब्रेड के स्लाइस पे अच्छे से नीचे से कोट कर दें। गाइस ध्यान रहे जिसमें बटर लगाया था हमने वो साइड नीचे होना चाहिए, अपसाइड डाउन होना चाहिए। और अब इसके बाद हमें स्टफिंग करनी है, जो हमने स्टफिंग हमारी ऑलरेडी तैयार है। सो गाइस इतनी स्टफिंग होनी चाहिए कि वो जब से हम टोस्ट करें या फिर आप ग्रिल करें तो वो बाहर ना आ जाए। गाइस इसे डालने के बाद इसके ऊपर जो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये अमूल की, इसे ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दें ऊपर से। इसे डालने के बाद हमें जो ब्रेड का स्लाइस इसमें भी सेम बटर वाला पार्ट ऊपर इसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है टोस्ट होने के लिए या फिर ग्रिल होने के लिए। सो गाइस मैंने इसे अच्छे से गर्म कर लिया है, तो मैं सेम आराम से इस तरह अपने दोनों सैंडविचेस को इस पर रख दें। और हाँ गाइस अब ध्यान दें इसके ऊपर से हमें ऑयल हमें यूज द्वारा नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी बटर लगा रखा है, तो इसे दबाना है बिल्कुल आराम से। गाइस ग्रिल या टोस्ट करते समय इसे बीच बीच में चेक करते रहें, आप देख रहे हैं जैसे ये लाइंस आ रही हैं ब्राउन, तो ऐसे बीच बीच में इसे चेक करते रहें। सो फाइनली गाइस चेक कर लेते हैं एक बार, और ये बिल्कुल तैयार हैं हमारे पनीर सैंडविच। तो गाइस मैं करता हूँ इसकी एक अच्छी सी प्लेटिंग। सो फाइनली गाइस कैप्सिकम एंड टोमेटो पनीर सैंडविच बनकर बिल्कुल तैयार है। अब जल्दी से जल्दी इसे आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।